मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्पीक पारासर फ्रॉम शिवाजी विद्यापीठ। यस्टरडे वी हैड रेड अबाउट फर्स्ट लेसन अर्थ द ब्लू प्लेनेट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सेकंड लेसन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। इस लेसन में हमें लोकेटिंग पोजीशन ऑफ अर्थ ग्लोब लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड द प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ लैटिट्यूड इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जैसा कि लेसन का नाम है, लॉन्गिट्यूड जो होती है इसको हम हिंदी में देशांतर रेखाएं बोलते हैं और लैटिट्यूड जो होती है इसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये जो है ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब जो होता है ये स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का। तो सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पिछले लेसन में भी अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अर्थ जो है इसका टोटल एरिया जो है वो, अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो उसमें 71% जो है वाटर कवर्ड है और बाकी जो 29% बचता है वो लैंड एरिया है। अब हम इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या है, जो अर्थ होती है हमारी, जो अर्थ है उसके बारे में अगर पहले बताया जाए तो पहले जो है उसको फ्लैट माना जाता था, लेकिन अब अर्थ को फ्लैट की बजाय स्फेरिकल माना जाता है। स्फेरिकल मतलब उसको गोल माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं जैसे प्लेटो है, पाइथागोरस है और बहुत सारे दूसरे जो स्कॉलर्स हैं और वो अर्थ को स्फेरिकल मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पता लगाया कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ से और यहाँ तक, मतलब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये फ्लैट माना जाता है। और इसके लिए 16वीं सेंचुरी में एक एक्सप्लोरर हुए हैं जिनका नाम था फर्डिनैंड मैगेलन। और इन्होंने एक एक्सपीडिशन चलाया था, एक्सपीडिशन मतलब एक अभियान चलाया था। और उन्होंने अभियान की जो शुरुआत की थी वो सिवेल जो स्पेन में है वहां से की थी 1519 में। और वहां से वो उन्होंने जब एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके जो सेकंड इन कमांड जिनका नाम था जॉन सबस्टेशियन एल्केनो, ये थे। इन्होंने क्या किया था, 1522 में इस एक्सपीडिशन को पूरा कर लिया था। और पूरा करने के बाद जब वो वापस सिवेल में आए थे तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था अपने सरकम नेविगेशन से कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। शेप में अगर बात करते हैं अर्थ की तो वो स्फेरिकल है। सरकम नेविगेशन का मतलब होता है कि हम जो ट्रेवलिंग करते हैं, चाहे वो शिप से करते हैं या फिर ट्रेन से करते हैं, तो वो अपनी सरकम नेविगेशन के बाद ही ये प्रूव करके दिखाते हैं कि जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो यह स्फेरिकल नहीं है बल्कि फ्लैट है और बाकी स्फेरिकल है। लेकिन फिर जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आती गई तो मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया था कि जो अर्थ की शेप है वो एक ऑरेंज जैसी होती है। ऑरेंज जैसी का मतलब जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज जो होता है उसकी शेप क्या होती है, जो नीचे से ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट होती है और ऊपर और नीचे से फ्लैट होती है बाकी स्फेरिकल होता है। तो ऑरेंज जैसी शेप अर्थ की बताई है। उसके बाद है लोकेटिंग पोजीशन ऑफ अर्थ। कि लोकेटिंग पोजीशन ऑफ अर्थ क्या है, कि जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है, वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है और वो सन को ऑर्बिटिंग करती है, यानी कि सर की ये सन की क्या करती है, परिक्रमा करती है, ऑर्बिटिंग करती है। और क्या होता है कि पहले जो हमारे रिसर्चर्स थे उनके लिए जो अर्थ थी
ये काफी बड़ी थी तो इसके लिए मैप बनाना आसान बात ही नहीं थी। तो उन्होंने मैप बनाने के लिए क्या किया था, ग्रिड लाइंस का यूज किया था। ग्रिड लाइन जो होती है उनको जालीदार लाइन बोलते हैं। तो उन्होंने ग्रिड लाइन से यूज करके मैप भी बनाया था। उसके बाद है ग्लोब। ग्लोब जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, ग्लोब जो होता है स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का। और जो ये मॉडल होता है ये अपने स्टैंड से अगर बात करें तो स्टैंड जो है इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है ये फ्लैट दिखाया जाता है। और हम ग्लोब को अगर घुमाएंगे तो उसको हम ही घुमा भी सकते हैं और वह अपने एक्सिस पर ही घूमता रहेगा। तो हमने ग्लोब को जो है पूरी तरह से अर्थ का अर्थ की शेप देने की कोशिश की है, अर्थ जैसा ही बनाया जाता है। अब बात करते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड की। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होती है इसको हम ही देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और सपोज करो कि जैसे हमारी ये अर्थ है तो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उसकी स्टैंडर्ड पॉइंट्स होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लॉन्गिट्यूड को दिखाता, लॉन्गिट्यूड के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होती है ये होती है, तो लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारा नॉर्थ पोल को दिखाती है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये लॉन्गिट्यूड के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। जो लॉन्गिट्यूड होती है इनकी जो लंबाई होती है ये सेम होती है, सेम लेंथ की होती है। और वे ये जो मिलती हैं ये उन पोल से मिलती हैं जो एक दूसरे से काफी दूर हैं, यानी कि इक्वेटर से भी बहुत, ये इक्वेटर पर अगर बात करते हैं जैसे हमारी एक लाइन और होती है इक्वेटर, ये जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर से जो पोल्स हैं उनकी दूरी को भी दिखाती है। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग जो होती है लॉन्गिट्यूड्स की वो 360 होती है, यानी कि 360 लाइन जो होती है वो लॉन्गिट्यूड्स की होती है। उसके बाद है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है इसको स्टैंडर्ड लाइन माना जाता है लॉन्गिट्यूड की, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की जो स्टैंडर्ड लाइन होती है वो प्राइम मेरिडियन भी मानी जाती है। और ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी सेल्सियस नहीं, 180 डिग्री जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ होता है। यानी कि जो मान लीजिए ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये ईस्टर्न पार्ट होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट जो होता है और ईस्टर्न पार्ट ये 180 डिग्री इस साइड होता है और 180 डिग्री इस साइड होता है। और ये डिवाइड कौन करता है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन होती है वो इसको डिवाइड करती है। और इसको एक सिंगल लाइन जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को डिवाइड करता है उसको हम एक इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है। उसके बाद है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो होती है वो जैसे हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और जो हमारी लैटिट्यूड होती है वो होती है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो होती है वो लैटिट्यूड होती है, यानी कि लैटिट्यूड जो होती है वो लेटी हुई अवस्था में होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो वर्टिकल शेप में होती है। तो अब जैसा कि हमने ग्लोब में पढ़ लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये वाली जो लाइन होती है ये तो हमारी लॉन्गिट्यूड में आती है और इस तरह से इक्वेटर के होती है, जो इक्वेटर वाली जो लाइन होती है वो हमारी
इक्वेटर को हम ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इक्वेटर के बाद ही अब बात कर रहे थे हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो होती है वो लेटी हुई लाइन होती है, और इक्वेटर जो है ना ये पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइंस को शो करती है, और इनको अगर हम ही इन लाइंस को दिखाते हैं तो हम ही 1 डिग्री पर दिखाते हैं, 1 डिग्री की डिस्टेंस पर इन लाइंस को दिखाते हैं। और जो इक्वेटर होती है उसके नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों में जो इनकी नंबरिंग होती है लैटिट्यूड्स की वो 90-90 होती है, यानी कि 90 लाइन जो होती है वो इक्वेटर से ऊपर होती है और 90 लाइन जो होती है वो इक्वेटर से नीचे होती है। तो टोटल जो इनकी नंबरिंग होती है वो 181 होती है, यानी कि संख्या में अगर इनकी बात करें तो 181 लाइन जो होती है वो लैटिट्यूड्स में होती है। और लैटिट्यूड जो है लैटिट्यूड उसको हम ही लेवल करते हैं। इसको लेवल कर कैसे करते हैं, अगर नॉर्थ साइड की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ, और साउथ की अगर बात करते हैं तो साउथ में हम इसको करते हैं 10 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ, इस तरह से लेवल करते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से शो करते हैं। अब बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर मार्क की जाती है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री माना जाता है। तो ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर जो है ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होती है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होती है वो इक्वेटर की मानी जाती है, और इसको ग्रेट सर्कल का नाम भी दिया जाता है। इक्वेटर जो लाइन है हमारी, इक्वेटर लाइन को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। तो इसको हम अगर पोल के हिसाब से दिखाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिखाते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे दिखाते हैं और 90 डिग्री साउथ पोल पे दिखाते हैं। तो ये थी हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ओके।